स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ मेघालय का कट ऑफ डिस्कशन करने के लिए। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हु हैव अप्लाइड फ्रॉम मेघालय। सो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रीवियस ईयर की जो भी। जैसे कि आपको पता है, मैं नॉर्थ ईस्ट का पोस्टमार्टम करता हूँ कोई भी कट ऑफ में, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नहीं बनाता वीडियो, ठीक है, मैं एनालाइज करके बनाता हूँ। और आपको पता होगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं मेघालय का। तो मेघालय का क्या सीन रहता है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, असम त्रिपुरा के बाद मेघालय का नाम आता है, ठीक है, कट ऑफ में, क्योंकि मेघालय का कट ऑफ बहुत ही बार चेंज हुआ है। मेघालय की बात करूँ 2016 में, तो 2016 में मेघालय के कट ऑफ 65 गई थी 16 में। अब 17 की बात करूं तो 2017 में मेघालय की कट ऑफ 42 गई थी, ठीक है, एग्जैक्ट बता रहा हूं, ओके 2016 में 65, 2017 में 42, 2018 में 62 के आसपास गई थी, 2019 में भी 62 या 63 के आसपास गई थी 19। और 20 में आपका कट ऑफ गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ओबीसी का 30 गया था और जनरल का 62 पॉइंट समथिंग गया था। तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मेघालय का कट ऑफ 60 के अराउंड ही रहा है अभी तक फॉर जनरल कैटेगरी। आई बी टॉकिंग अबाउट इवन एसटी कैटेगरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल कैटेगरी के आप समझ लें, तो कट ऑफ रहा है 50 to 60 या 62-63 ही के आसपास रहा है। तो इस बार का कट ऑफ जनरल का क्या रह सकता है? तो इस बार का भी जनरल का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी प्रीलिम्स का आपका कट ऑफ 58 to 63 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ, इतना रहना चाहिए मेरा एक्सपेक्टेड है। कितना जाता नहीं जाता वो अलग बात है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ आपको कि कट ऑफ 58 to 63 रहनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें एसटी की, तो एसटी की अगर आप प्रीवियस ईयर देखें, मैंने पूरा एनालाइज़ किया है, एसटी की कट ऑफ भी कभी कभी अच्छी चली जाती है, ठीक है, डिमोटिवेट मत होना, अच्छी चली जाती है, ये मतलब नहीं कि 60 प्लस चली जाती है। 56 मैंने कट ऑफ देखा है एसटी का, 56, तो एसटी का कट ऑफ 56 देखा हूँ। उसके बाद 30-40 भी मैं देखा हूँ एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी का आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि एक ईयर एसटी कैटेगरी का 2017 या 18 याद नहीं मुझे एग्जैक्टली गया था, 40 या 39 कुछ गया था, उसके ठीक नेक्स्ट ईयर 56 गया था, फिर उसके नेक्स्ट ईयर फिर 40 गया। तो 40 एसटी का कट ऑफ अराउंड 35 to 45 या 46 रहने के चांसेस है। लेकिन लास्ट ईयर का अगर एनालिसिस करें, लास्ट ईयर 56 गई थी एसटी का कट ऑफ, तो इस साल अब जैसा है कि 50 के आसपास भी जा सकती है, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो 45 to 55 के बीच में ही रहनी चाहिए मैक्सिमम। इससे लो हो सकती है, ठीक है, 45 से लो हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेरे एक्सपेक्टेड 45 to 55 के बीच में ही रहनी चाहिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूँ, क्योंकि एसटी कैटेगरी में भी कंपटीशन हो गई है आजकल। और एक बात कहता हूँ, जो बाहर से आते हैं लोग, वो लोग भी एसटी होते हैं, इसलिए इसी कारण कुछ कैंडिडेट एसटी होते हैं, तो उसी कारण कट ऑफ और हाई चली जाती है। तो ये एसटी का था। ओबीसी का कट ऑफ आपकी रहने के चांसेस है, ओबीसी का बात करूँ तो लास्ट ईयर 30 रहा था, तो आप समझ लो क्या बोलूँ अब कट ऑफ की मैं बात क्या करूँ। उसके लास्ट टू लास्ट ईयर बात करूँ तो 45 था, 2020 में आपका था 30 पॉइंट समथिंग, 2019 में था आपका 45 था, 19 में, 18 में भी 40 के आसपास था, तो 40 कोई एवरेज ले लेता हूँ। अब लास्ट ईयर 30 गया ओबीसी का, तो इस बार भी मैं लेता हूँ 30 to 45 के बीच में रहना चाहिए कट ऑफ, ठीक है, 30 to 45 के बीच में। सो यही सब कैटेगरी का मैं डिस्कस करता हूँ। और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको अगर है तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा, ठीक है, रेयरली आपको चेंज देखने मिलेगी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ में, वरना ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम रहती है जनरल के हिसाब से, 1-2 मार्क कभी कभी कम होती है, लेकिन क्लर्क में सेम ही रहती है। तो आई होप मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसका मेघालय का, तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर हो सके तो शेयर करना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से देखना और समझना मैं क्या बोला हूँ। और अगर आप प्रीवियस कैंडिडेट हो अगर मेघालय स्टेट से, तो आपको पता होगा ये कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
क्योंकि मैं पूरा स्टेट में एनालाइज कर चुका हूँ, ठीक है, बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ ये सब एग्ज़ाम, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में।